हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आपका क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पॉलीगॉन। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में पता होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। दरअसल पेरी, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कोई भी शेप ले लें, सपोज एक हम ये शेप ले ले रहे हैं, अभी आपके सामने मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये वाली शेप, ठीक है। अब ये शेप हमने ड्रॉ की, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इन बाउंड्रीज की बात करें, जैसे ए से बी तक गए और बी से सी तक गए और सी से डी और डी से ए तक गए, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, और यह कह सकते हैं आप, ये जो लेंथ होती है ए से लेके बी तक गए, बी से सी तक गए और सी से डी तक गए और डी डी से ए तक गए, तो ये जो पूरा डिस्टेंस हमने कवर किया है, ए से स्टार्ट हुए थे और ए पर ही वापस आ गए, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है यही पेरीमीटर, ठीक है। और बेसिकली अगर हम क्या कहें, ठीक है, बाउंड्रीज का सम, ठीक है, सो सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, ये चीज आपको याद रख लेना है, पेरिमीटर, ठीक है। अब बहुत सारी शेप्स होती हैं जो जिनमें, मतलब क्या कह सकते हैं, आपका डिफाइन होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है एंड आपकी शेप स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिन जो अनडिफाइंड होती हैं, तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। क्या रखना है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन जब आपकी रेगुलर इररेगुलर शेप्स दी हो, ठीक है। अब कुछ शेप्स होती हैं हमारे पास, जैसे स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया, इनके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, इसकी लेंथ ये रही और ब्रेथ ये रही, और आपको एक चीज मालूम हो कि रेक्टेंगल की बात करें, अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल की दो खास बात होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज ये होती है कि जो आपके जो एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गई 90 डिग्री, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी बी और ये एल हो गई। तो अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो क्या बनेगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, 2L+2B, और 2 कॉमन हुआ तो क्या बन गया, इस तरीके से हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बनता है, फॉर्मूला 2×L+B। एक शेप और देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम इस शेप की बात करें, ये तो खैर आपका जो है रेक्टेंगल फिर से बन गया, मैं स्क्वायर की बात कर रहा था, बनाना चाह रहा था, चलिए ये बन गया हमारा स्क्वायर, और ये बात कर लेते हैं इसकी साइड ए। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज वही ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो पेरिमीटर निकाल लेते हैं, क्या होगा, ए प्लस ए, ये भी ए, ए भी ए, सारी इक्वल होती है ना साइड, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इससे हमारा फॉर्मूला बन गया 4A, या फिर और ए क्या होता है साइड, तो 4×साइड, ये आपका एरिया बन गया, सॉरी नॉट एरिया, पेरिमीटर। अब एक और शेप ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं सपोज। ट्रायंगल्स आपके सिर्फ, यहाँ पर अभी हम सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और कोई ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा आपको, वहां सिर्फ साइड्स का सम लेना पड़ेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी, उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब उसकी साइड्स इक्वल होंगी तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 3A, ठीक है। अब जैसे देखो, ये तो का किसका था, ट्रायंगल का। अब अगर आप स्क्वायर का देखें, तो स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला, 4A है ना। अगर हमारे पास पेंटागन होगा, रेगुलर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
रेगुलर, रेगुलर हमारा शेप से मतलब ये होता है कि सारी साइड्स जो होंगी उसकी इक्वल होंगी, तो पेंटागन का कितना हो जाएगा 5 है। अब अगर जैसे हेक्सागन लेना है, हेक्सागन का कितना हो जाएगा 6a। अब मान लेते हैं एन साइड है, कितनी साइड है, एन साइड्स हैं किसी शेप में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू साइड या फिर एन इंटू ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या दिया हुआ है हमारे को, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। अभी तो मैंने आपको बताया था बाउंड्रीज ऑफ प्लेन फिगर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने जस्ट पढ़ा ही था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 इंटू एल प्लस पी। उसके बाद दे रखा है कि इफ लेंथ ऑफ, इफ 2.5 इज द सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर डेकागन। डेकागन है, डेकागन का मतलब होता है 10 साइड्स। डेका का मतलब क्या होता है, 10 साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10, आपका फॉर्मूला वही है, एन इंटू टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ एन कितना है 10 और साइड कितनी है 2.5, तो इक्वल टू कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इफ ट्रेंगल हैज साइड्स ए बी सी, तो यानी कि यहाँ पर दे नहीं रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है या कौन सा ट्रेंगल है, तो इसका पेरीमीटर आपको बस मैंने कह रखा ना कि आपको इनके लेंथ का, बाउंड्रीज की जो लेंथ होती है उनको ऐड कर दो तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी। ना ई पार्ट की बात करें, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड, जितनी साइड होंगी और उसकी जो लेंथ होगी हर एक साइड से इक्वल से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पेरीमीटर की बस वही याद रखिए, क्या याद रखना था कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले वाले में कितना जाएगा 3, यहाँ से शुरू करें +4 +4 +3 और ये लास्ट बाउंड्री +3, तो कितना हो गया 4 4 8 और 9 8 9 17, यानी कि पहले वाले का कितना आंसर आ गया 17, इसका पेरीमीटर कितना आएगा 17। चलिए बी पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें ले लेते हैं हम पहले 2, फिर इसकी अब लेंथ गिवन नहीं है, देखो यहाँ लेंथ गिवन ये वाली की, ए वाली की, तो कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो ये पूरी लेंथ आपकी 5 है और इसमें से अगर हम देखें डॉट 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 करें तो ये पॉइंट तो 2 हो गया, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, यानी कि ये भी, ये आपका 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, तो चलो ऐड कर लेते हैं हम, 3 प्लस 2 5, 5 5 10 एंड 2 12 प्लस 4 16, तो यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर आपका इसका आ गया। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर भी वही 1 है आपका, ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 एंड प्लस 3 14, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको बस करना कुछ भी नहीं है, बस साइड्स को ऐड कर दो। अब यहाँ देखो सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड वाला, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो यहाँ कितनी है, 4 साइड है और 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 4 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब यहाँ पर ई पार्ट की बात करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 है, 5 प्लस 5 10 +3 13 +3 16 17 एंड 2.5 17 प्लस 2 19.5 सेंटीमीटर, बस आपको इनको ऐड करते जाना है। अब ये रेक्टेंगल है तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही है, 2 L प्लस B, वैल्यूज रखो 2 3 प्लस 5, 5 3 8 इक्वल टू 16, 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। रेगुलर पॉलीगन में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लिख सकते हैं कि पेरीमीटर
एंड इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी लेंथ 5 है, और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये दे रखा है आपका हेप्टागन दिया हुआ है। हेप्टागन में, हेप्टागन की जब हम बात कर रहे हैं तो हेप्टागन को यहाँ देखें, तो हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, कितनी होती हैं? 7। तो 7 आपका ये रहा, तो आपका फॉर्मूला वही है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से देखो, जब हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू आपका जो है साइड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, सॉरी लेंथ ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर यहाँ 63 दिया हुआ है, एन कितना है आपका? एन तो निकालना ही है, लेंथ निकालनी है ना, हेप्टागन में एन तो 7 आ गया, लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आपका निकल आएगा, आपका कितना आएगा? अब ये निकालना है तो ये नीचे जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। कैसे? देखो 63 / 7 करोगे तो 9 ही तो आना है, तो यहाँ लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो 4 × a आपका फॉर्मूला है, 4 × 8 80 सेंटीमीटर। अब हेक्सागन है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पेरीमीटर 60 दिया है, और हेक्सागन में मतलब कितनी साइड होती है? 6 होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। कैसे? मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस वैल्यूज रखनी है आपको, है ना। तो 60 / आपका 6, तो 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। चलिए पेंटागन है यानी कि 5 साइड, तो 12 × 5 करोगे तो कितना आएगा? 60। नैनोगन, नैनोगन मतलब 9, कितना होता है? नैनो का मतलब होता है 9, तो 81 / 9 कितना जाएगा? 9, तो ये 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, आपको यहाँ पर भी पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मैं एक ही बार लिखूंगा और बाकी फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पी मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L+B, ठीक है। चलिए अब मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ इसको, ताकि एक ही पेज में हमारा जो है सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ए पार्ट में आपका 10/8 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा? 2 × 10+8, 18 × 2 = 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, और मैं सिंपल कर दूं तो 2 × 18 आ जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में आपका 8 और 6 है, तो 2 × 8 + 6 कितना हो गया? 2 × 14, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी पार्ट की बात करते हैं, सी में 6/12 है, तो 2 × 6 + 4 = 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये सारे पेरीमीटर्स ही निकल रहे हैं, ठीक है। डी की बात करते हैं, डी कितना है? 12 है, 12 + 10 हो गया 22 × 2 = 44, ठीक है, 2 × 22 कितना जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ये अब ई पार्ट की बात करते हैं, 15/5 है, तो 2 × 15 + 5, 2, ये 15 + 5 = 20, 20 = 40। अब एफ पार्ट की बात कर लेते हैं हम, 6/1.2 है, तो 2 × 6 + 1.2, तो 2, एंड ये हो जाएगा आपका 7.2, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 14.4 सेंटीमीटर आ गया।